तो इधर में काफी हमारे बाकी समाज के बहुत बड़े नेता है। आइए आज यहाँ पर हमने महाराज के सानिधि में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करी है देवा जिलाध्यक्ष जी की। और यहाँ पे जो हमारे मतलब पारिवारिक संबंध जो पीढ़ियों से चले हुए आ रहे हैं सभी के श्रीमन महाराज की सेवा में थी हम थे और पारिवारिक रिश्ते हैं महाराज के सेना के क्या है। हर चीज़ का राजनीतिक जोड़ नहीं होता, कहीं पारिवारिक रिश्ते पारिवारिक संबंधों का भी महत्व होता है। तो निश्चित रूप से महाराज साहब के समय से पीढ़ियों से जो रिश्ते महाराज साहब ने बनाए हैं कहीं ना कहीं उन सब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनावों की तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन जो भी जहाँ से भी पूरे प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए मेहनत करने की रूपरेखा स्ट्रेटजी बनाने के का काम आज कार्यकर्ता से हो रहा है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत से विजय मिलेगी, अच्छी संख्या से विजय मिलेगी, इस चीज़ की आशा रखता हूँ। नियुक्ति भी कराया है आज, नियुक्ति के प्रमाण पत्र भी दिया गए हैं जी। तो निश्चित रूप से वो करनी सेना की अंदर की इंटरनल व्यवस्थाएं हैं और सब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरे माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि इन सब लोगों को आज नियुक्त करके आज करनी सेना के उद्देश्यों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके उनकी विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए नए लोगों को नियुक्त किया है। निश्चित रूप से वो करनी सेना का नाम रोशन।